दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल वीजी इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट टू इलस्ट्रेटर फाइल के बारे में कि कैसे वेक्टर फाइल को हम आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैंने एक ट्रैवल का बैकग्राउंड बनाया, क्रिएट किया है और इसको हमने लेयर वाइज कन्वर्ट कर लिया है पूरा का पूरा एज इट इज। अब इसको क्या करना है, हमने वहाँ पे इंपोर्ट करके आफ्टर इफेक्ट में इसको हमने एनिमेशन देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ से क्या करेंगे, आप न्यू प्रोजेक्ट लेंगे और न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद आपने क्या करना है, न्यू कंपोजिशन देना है। यानी कि आपकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख दीजिए ट्रैवल, और उसके बाद हमने ड्यूरेशन कितनी रखनी है इस एनिमेशन की, लगभग 12 सेकंड। तो इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आप लेंगे निशान, और यहाँ से हमने क्या करना है, आपके पास में इंपोर्ट एज का यहाँ पर ऑप्शन होता है ये वाला, तो यहाँ पे हमने कंपोजिशन रिटेल लेयर साइज रखना है और इसको इंपोर्ट कर देना है। ये देखिए अभी ये फाइल इंपोर्ट हो रही है क्योंकि इसमें लगभग 50 लेयर के करीब है, तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अब ये आपकी फाइल आ गई है, इस पर हमने डबल क्लिक करना है जस्ट। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए ये प्रोसेस होना चालू हो गया है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने अलग अलग एनिमेशन देना है अलग अलग की फ्रेम पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतनी सारी लेयर्स हैं ये देखिए, ये वाली लेयर, तो हमने क्या करना है, सबकी पोजीशन P4 पोजीशन ओपन कर लेनी है एक साथ में, और आपने देखना है कि सबसे पहले आपने किसको एनिमेशन करना है। यानी कि अगर मैंने इसको एनिमेशन करना है तो पी करूँगा मैं, यहाँ पर की फ्रेम लगाऊँगा और इसको मैं ऐसे आगे कर दूंगा, यानी कि ये पीछे की साइड को जा रहा है। आप इस फ्रेम को, आप की फ्रेम को आगे कर दीजिए, ये देखिए ये आपका तेज चलेगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए की फ्रेम को आप पूरा ले लीजिए, बेशक 12 सेकंड तक, तो ये स्लो मोशन में चलेगा। उसके बाद क्या है, आपने इसको करना है, तो इसकी लेयर आपकी कहाँ है, नीचे है ना, तो पोजीशन कीजिए, इस पर भी की फ्रेम लगाइए आप, और यहाँ पे जाके इसको एंडिंग पॉइंट पे एकदम जाने के बाद में यहाँ से ऐसे कर दीजिए, अब आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस टाइप से बीच में आ रही हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कर दे सकते हैं, और इस फ्लावर को नीचे कर दीजिए, और इसको इस जगह पे आप डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते हैं ताकि ये आपका बीच में ना आए। ये देखिए अब आप देख सकते हैं बगला भी आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपका ये है, यहाँ से इसको हम कर देंगे पोजीशन और ये इस टाइप से आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका। और उसके बाद में ये आपके क्लाउड्स हैं जो कि मैंने ग्रुप में रखे हुए हैं, तो क्लाउड्स को क्या करना है, आपने एक एक करके आगे पीछे लेना है। जैसे ये मैंने पोजीशन दे दी क्लाउड्स की, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, ये देखिए ये आपका क्लाउड्स ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ गए हैं, ये इस टाइप से है ना, ये इधर क्लाउड्स हैं। पहले आपने इस पर क्लिक करके इनको नीचे ले लेना है डायरेक्ट, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इस लेयर को देखिए कि क्लाउड्स की लेयर कहाँ पे आपकी, ये वाली क्लाउड्स की आपकी सेकंड लेयर है ना, तो इस पर भी हम मोशन दे देते हैं, ये पोजिशन किया हमने, और यहाँ पे हमने लेके इस टाइप से आपकी ये थोड़ा सा जो ना हमने इस टाइप से
पोजीशन, ये देखिए ये क्लाउड्स आपके चलने लग गए हैं ये वाले। अब आपने इन क्लाउड्स को देखना है कि ये क्लाउड्स कौन से हैं, तो इस क्लाउड्स में भी आप क्या करेंगे, पोजीशन देंगे और ये आप यहाँ पे एक की फ्रेम रखेंगे और इसको सिंपली आपने ऐसे कर देना है। ये देखिए ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा बाहर हो गया, तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा अंदर ले लेना है ताकि अंदर ये इस टाइप से आपके अंदर एंट्री कर जाए। और आप अगर नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसको यहीं पे इसी पॉइंट पर रखिए ताकि ये यहीं पे मूव होते रहें इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाले क्लाउड्स हैं, ये वाले क्लाउड्स का आपका पोजिशन पॉइंट कौन सा है आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इनको आपने पोजीशन देनी है इस टाइप से और इस पे आप ऐसे कर दीजिए तो ये भी क्लाउड्स आपके मूव होने लग गए हैं। अब आपका रहता है ये वाला पोर्शन, ये तो इस पे क्या करेंगे आप, पोजीशन जो देंगे इसको ऐसे करके एक क्लिक कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये आपका आ गया, ठीक है। नाव आपकी जो ये नाव जो है ये इस टाइप से मूव कर रही है ना। उसके बाद आपका ट्रेवल्स का आ जाता है, ट्रेवल्स में हम पोजीशन दे देते हैं ये वाली पोजीशन और इसको हम कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आ गई। बाकी आपकी जो ये कार्स है, यहाँ से कार्स आपकी आ गई है, ये हमारी कार्स है जो बहुत हल्की चले रन करेगी पोजीशन, ये देखिए इसमें भी हमने मोशन दे दिया है तो आपकी कार से एकदम पूरी तरह से रन कर जाएगी। अब ये चीज़ जो है आप इनको थोड़ा सा स्केलिंग करके छोटा कर सकते हैं ये इस टाइप से, एस प्रेस करेंगे तो आपका स्केलिंग आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब आपका ये रहता है ये वाला पोर्शन, तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सन को हमने जूम इन जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, एस प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से जो ना आप स्केलिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ट्रैवल में क्या करना है आपने, सपोज कीजिए आप थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इफेक्ट ले लेते हैं एक इफेक्ट प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ से इसके अंदर ट्रैवल के अंदर जो है ये आपकी ट्रैवल की लेयर है ये वाली, इसमें बीवेल एंड एम्बोज हम डाल देते हैं, ये देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जो ना डार्क कर देते हैं इस टाइप से, है ना। लेयर्स बहुत सारी होती हैं इसमें तो इसलिए आपको उनका यूज ढंग से करना है और ढंग से देखना है आपने कि किस टाइप से आपने इसको एनिमेटेड करना है, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स मैंने इसका आपको एनिमेटेड करके दिखा दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे कि कैसे कैसे आप इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। ये आपका बुद्धा है तो यहाँ से हम स्केल करेंगे इसको और इसको भी हम इस टाइप से दे देंगे ताकि वो जूम होते हुए दिखे आपका इस टाइप से, तो फ्रेंड्स ये था आपका मोशन ग्राफिक्स।
यानी कि की फ्रेमिंग हम कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट में, है ना। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपकी फाइल स्लो चलती है या कोई दिक्कत करती है तो इसमें आप हाफ पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपने हाफ पॉइंट दे देना है अपना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ से आप फुल कर सकते हैं इस टाइप से। और अगर आपको टेक स्नैपशॉट इसका लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे आप, ये आपका स्नैपशॉट जो होगा ये आपका माई पिक्चर में चला जाता है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ में एनिमेशन दे सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।